हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, यानी कि TITP। दोस्तों जी हाँ, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ फुल्ली टू फुल्ली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या ये जॉब के लिए सही है, क्या ये ट्रेनिंग के लिए सही है, या वॉट एवर जो भी आपका क्वेश्चन है, उस सब का आंसर जो है इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज आपने अगर स्किप कर लिया तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही बारीक इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों से छूट जाएगा। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, वॉच प्रॉपर दिस वीडियो, लिसन केयरफुली इन एवरी वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों जापान से, क्योंकि ये प्रोग्राम जापान का है तो जापान से शुरुआत होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1993 यानी कि 1993 को इस प्रोग्राम की नींव रखी गई थी, यानी कि 1993 से ये प्रोग्राम बना है जापान में, जिसे कहते हैं टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जापान गवर्नमेंट का है दोस्तों। तो इंडिया या फिर अदर नेशन के साथ इसका कनेक्शन कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, काफी सालों के बाद ये पॉपुलर जब हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगी कि सर ये कुछ स्पेशल टाइप का कुछ टेक्निकल प्रोग्राम है, कि यहाँ के लोगों को जापान लेके भी जा रहे हैं, मतलब इंडिया जापान बुला भी रहे हैं, उसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसे जॉब भी दे रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों काम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात थी। तो सरप्राइजिंग जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। और सबसे अच्छी बात ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं है, सपोज अगर 10+2 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन उनके पास कुछ स्किल्ड होनी चाहिए, लाइक कंस्ट्रक्शन में हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में हो, उसके पास कुछ स्किल्ड होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हार्ड वर्कर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, इंडिया में टोटल 22 इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जिसका जो कि गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज्ड करती है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और इसकी शुरुआत की थी मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया में, तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि सर आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जापान से यहाँ पे आप लेके आए और इंडियन लोगों को जापान भेजने का आपने जो एक प्लान रखा है, एक जो लेआउट बना के रखा है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे एटलीस्ट 3 लाख लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, जिसमें से 50,000 लोग ऑलरेडी जापान में काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, अभी भी 2.5 लाख बचे हैं दोस्तों। हालांकि टारगेट ये था कि 2022 तक के 3 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक 2019 के बाद तो स्टॉप ही हो गई, दिसंबर के बाद, क्योंकि अगस्त में तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था हमारे इंडिया में 2017 में, 2017 या 2018 में हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रेंड होते गए, लोग जापान आते गए, तो अभी भी 2.5 लाख लोग आना बाकी है जापान में टिट प्रोग्राम के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है, टोटल 22 इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंटर्न ट्रेनिंग का, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग लेके जो है आप जापान आ सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि सर अगर मैं TITP का जो प्रोग्राम है उसे जब मैं अटेंड करता हूँ, जब मैं क्लास लेता हूँ इंडिया में या फिर किसी अदर स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट हैं, मैं कहीं पर भी अगर अटेंड करता हूँ, तो क्या ये मुझे पेड करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट बियर्ड कर रही है कुछ एक्सपेंसेस? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है इसको ऑपरेट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसको ऑपरेट कर रही है, और सारे एक्सपेंसेस जो है आपको खुद को लेने हैं। मतलब इंस्टीट्यूट में अगर आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो उसका भी जो कॉस्ट है आपको बियर्ड करना है, वीजाओं के जो खर्चा है वो भी आपको करना है, टिकट के जो खर्चे हैं वो भी आपको करना है दोस्तों। तो ऑल टू ऑल इन्वेस्टमेंट आपका ही रहेगा, बिकॉज ये जॉब आपके लिए है तो आपके लिए ही है, आपको ही खर्च करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने निकाला है लेकिन आपको ही खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, 22 इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया, आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो क्योंकि टिट वालों का जो ट्रेनिंग देता है वो कौन कौन है, आप अपने हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से आप कहीं पर भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं पर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो।
बेसिकली ट्रेनिंग में जेएलपीटी का जेएलपीटी का जो लैंग्वेज क्लास है मतलब जापानीज क्लास है, उसमें कुछ N5 मार्क आपका आना चाहिए मिनिमम। और जो नर्सिंग के लिए जा रहे हैं उनके पास N4, मतलब उसको थोड़ा हाई चाहिए, यानी कि N4 उसके पास होना चाहिए लैंग्वेज कोर्स का। तो एक ये है, दूसरा जापान का कल्चर के बारे में बताया जाता है, दूसरी बात आपको मोटिवेट करते हैं कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मतलब हर चीज ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको बताया जाता है। जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना क्रिटेरिया होता है समझाने का आपको, कि कैसे आपको समझाता है, कैसे आपके स्किल्ड को और भी ज़्यादा डेवलप करता है, कैसे जापान का जो कल्चर है आपको उसे बताते हैं किस तरह से। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग बताने का तरीका है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप पहले पता लगाइए कि कौन सा ज़्यादा इंस्टीट्यूट आपके लिए सूट करेगा, या तो आपका मैं कह सकता हूँ कि फीस के दायरे में या फिर लोकेलिटी के दायरे में जो भी आता हो, मतलब अगर फीस के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको जो समझ में आता है वहाँ पे आप जाओ, या फिर जो आपकी लोकेलिटी में आता है, जो भी आपके आसपास में होता है उसके हिसाब से आप जाना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप जाओ। कहीं से भी आप जाओ, इस 22 इंस्टीट्यूट के अंदर आप ट्रेनिंग लो, इसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, जो JLPT का जो लेवल है वो अगर सब कुछ सही रहा और आप प्रॉपर अच्छे से डेवलप हो गए उसके अंदर, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप फिर इलिजिबल हो जाते हो, वो आप लोगों को इलिजिबल बना देते हैं जापान आने के लिए। तो अगर आप इंस्टीट्यूट ने आपको मतलब आपको इलिजिबल अगर बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि 100% आप जापान आ सकते हो। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा, चूंकि अभी न्यू एंट्री बंद है, तो जैसे ही न्यू एंट्री स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि टिट वालों के लिए भी खुशी की खबर आ जाए। लेकिन मैं आप लोगों को एडवांस में बता देता हूं कि टिप वालों का कब से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप वॉच करते रहिए। तो मैं एंड में बताने वाला हूं ये प्रोग्राम वालों को जापान कब आने के लिए मिलेगा, और ये 110% श्योर है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट, अब जानते हैं दोस्तों कि इसमें सैलरी कितनी होगी, जो टिप वालों का जो ट्रेनिंग लेके जब जापान में आएंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो ऑलमोस्ट जो है ये, मैं आपको अगर मैं इंडिया के साथ कंपेयर करके बताऊं, तो सारे खर्चों को हटा के 50 से 60 हज़ार रुपये इंडियन मनी में आपको बच जाएंगे, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो। इसमें दो है, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हो तो भी चलेगा, 10 घंटे ड्यूटी करते हो, ये अप टू यू कि आपको क्या करना है। अगर 10 घंटे काम करते हो तो सकता है कि ज्यादा पैसे मिले आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग इंडिया के 1.25 लाख रुपए आप कमा लोगे, जिसमें से सब खर्च काट के आप 50 से 60 हज़ार रुपये बचा लोगे। ये मैं उस बिहाफ पे बता रहा हूँ कि जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे उसके थ्रू, और मेरे कई जानने वाले हैं जिसके थ्रू मुझे पता चला है कि ये लेवल जो है मतलब 60-50 हज़ार के आसपास इंडियन मनी में वो भेज दिया करते थे। तो चूंकि ये काफी अच्छा प्रोग्राम है कि आपको ट्रेनिंग भी मिलता है और आपको जॉब भी मिल जाता है, इससे फायदा एक ये होगा कि दोस्तों अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हो अपनी कंट्री में वापस, तो अपनी कंट्री में आप अपने हिसाब से काम करोगे, अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिल जाएगा। या इन फ्यूचर अगर आपको जापान में रहना है तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर उसके बारे में अगर आपकी कुछ क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए कि भाई टिट का जब खत्म हो जाए आपका उसके बाद क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भी है कि मतलब जापान आते हैं और जापान आने के बाद उसको यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मोटी कमाई हो जाती है, तो लोग बोलते हैं यार इंडिया में उतनी कमाई नहीं हो पाती, यार जापान में ठीक है, तो एटलीस्ट चलो कुछ चेंज करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल हम लोग टिट वालों पे, चूंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया ये कब स्टार्ट हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट क्या पढ़ाता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे चुका हूँ इस वीडियो में। अब मैं आपको एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि टिप आखिर कब स्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट कब करेगा, कब लोगों को बुलाना शुरू कर देगा। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस साल तो नहीं होने वाला है, 2022 के स्टार्ट में ही टिप वालों को एंट्री मिल जाएगी। ये प्रधानमंत्री सुगा ने हमारे सीएम हमारे पीएम साहब को एडवांस में बता दिया कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 से जितने भी टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले लोग हैं उसको बुलाना शुरू करेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। सायोनारा।